सर जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है लड़की को बेचने का और किस प्रकार से आप लोगों ने लड़की को बरामद किया। कल थाना शाही क्षेत्र हमारे यहाँ पड़ता है, वहाँ से एक फोन आया, अननोन व्यक्ति का फोन मेरे पास आया और उसमें कहा गया कि एक लड़की है जो किसी व्यक्ति के यहाँ पहले लाई गई थी, उसके बाद वहाँ से निकल करके वो प्रधान के यहाँ पहुँच गई है, तो दिखवा लीजिए। इस पे हमने एसओ शाही को भेजा मौके पे और वो गए वहाँ पे, उन्होंने लड़की को रिकवर किया प्रधान के यहाँ से और उसके बाद फिर थाने लाए। उसके बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो गुमला झारखंड की रहने वाली है, करीब 22 साल की लड़की है, गुमला झारखंड की रहने वाली है और उसको एक व्यक्ति वहाँ उसके पड़ोसी गांव बखिया का रहने वाला है जो उसको दिल्ली लाया था। दिल्ली में ला करके, चूंकि ये गरीब परिवार से लोग हैं और घरेलू काम वाम में इन्वॉल्व होते हैं तो घरेलू काम कराया जाता है, कुछ एजेंसी है दिल्ली में जो काम कराती हैं इनसे घरेलू काम, वो वहाँ अक्सर इससे पहले भी कई लड़कियों को ला चुका है और घरेलू काम में लगाया है। जब इसको लड़की को लाया और शाहदरा में इसको किसी काम पे रखने की बात हुई तो इसके बाद कोई पहचान पत्र आइडेंटिफिकेशन नहीं था तो इसको फिर काम नहीं मिला। दो एक दिन वहाँ रहने के बाद ये लड़की वापस अपने झारखंड जाने लगी। जब रास्ते में ट्रेन से ये अपने झारखंड जा रही थी तो रास्ते में एक बुढ़ा व्यक्ति मिला इसको, जैसा इसने बताया कि एक बुढ़ा व्यक्ति मिला और वो कहा कि तुम अब झारखंड कहाँ जा रही हो, चलो हम तुमको कहीं और काम दिला देते हैं, और ऐसा कह करके वो इसको साथ में बरेली ले आया। बरेली में शाही थाना क्षेत्र में रामपुरा गांव पड़ता है जहाँ पे राजा राम नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसके यहाँ वो बुढ़ा इसको लेकर के आया। उसके बाद दो दिन तक ये लड़की उसी राजा राम के यहाँ रही। बाद में इस लड़की ने बताया कि जब इसने देखा कि वो दो तीन लोगों को बुला करके इसको बेचने की बात कर रहा है तो वो लड़की छत पे पहुंची और वहां से पीछे से उतर करके गांव में चली गई। गांव में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया तुम प्रधान के यहाँ चली जाओ, वो प्रधान के यहाँ पहुंच गई और वहां से कई लोगों ने फोन करना शुरू किया, जिसमें एक फोन मेरे पास भी आया और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की को रेस्क्यू किया और ला करके थाने में FIR दर्ज किया है। अब इसको इसका मेडिकल वगैरह कराने के बाद इसको इसके गांव पहुंचाया जा रहा है। सर ये बताया जा रहा है लड़की को कितने रुपए में बेचा? हाँ, अभी तक जो ये बता रही थी लड़की की लगभग 50,000 रुपए में इसका सौदा तय किया जा रहा था। घर पे दबिश दी जा रही है राजा राम के, वो लोग फरार हैं और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। सर एक और मामला इसमें सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि शायद लड़की के साथ कुछ गलत काम भी किया गया है। चूंकि लड़की ने अपने बयान में भी जो रिकॉर्डेड बयान है उसमें भी इस बात से डिनाई किया है और लिखित में भी उसने ऐसा दिया है कि उसके साथ ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है, तो इस तरह की बात सामने नहीं आ रही कि उसके साथ कोई गलत काम हुआ, सिर्फ बेचने की बात सामने आ रही है प्रथम दृष्टया और इसी पे कार्रवाई की जा रही है। लड़की का मेडिकल भी कराया? बिल्कुल, मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद इसको इसके परिवार के सपोर्ट किया जाएगा, भिजाया जाएगा। थैंक यू।